गाइस वेलकम ऑन टैलेंटेड इंडिया। नजर डालते हैं बॉलीवुड की बड़ी खबरों की ओर। बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल जल्द ही साजिद नाडियावाला की फिल्म लैंड ऑफ लुंगी में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के लिए पहले अक्षय कुमार को चुना गया था, लेकिन डेट्स नहीं होने की वजह से अब इस फिल्म में विक्की कौशल नजर आएंगे। उरी और राजी जैसी सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग का परिचय देने वाले विक्की कौशल इन दिनों बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्की ने फिल्म लैंड ऑफ लुंगी में अक्षय कुमार की जगह ले ली है। फिल्म के डायरेक्टर फराज सामजी और प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला की यह फिल्म तमिल फिल्म वीरम की रीमेक है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने गुरुवार को अपने फैंस को एक सरप्राइज दिया। शाहरुख खान ने अपने घर मन्नत के बाहर लगी फैंस की भीड़ को अपनी गाड़ी की छत पर चढ़कर ग्रीट किया। किंग खान का ऐसा अंदाज देख उनके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सभी ने वी लव यू शाहरुख खान के नारे लगाने शुरू कर दिए। खबरों के अनुसार शाहरुख खान हॉलीवुड होस्ट और कॉमेडियन डेविड लेटरमैन के नेटफ्लिक्स शो माय नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन के लिए शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन डेविड के शो के कैमरामैन को ईद के दिन मन्नत के बाहर जमा फैंस से शाहरुख और डेविड को रूबरू होते शूट करते देखा गया था। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान के चैट शो को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। व्हाट वुमेन वांट एक शो जो बॉलीवुड अभिनेत्रियों से लेकर प्रभावशाली महिलाओं की कहानियों को सोशल मीडिया सेलेब्स तक साझा करता है कि किस तरह उन्होंने प्रगति के रास्ते में चुनौतियों का सामना किया है। इसी के चलते उन्हें न्यूयॉर्क फेस्टिवल रेडियो अवार्ड्स में नामित किया गया। बेबो को बेस्ट टॉक शो होस्ट की श्रेणी में नामांकित किया गया है। पिंकविला के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिनेत्री से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के बारे में उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया कि उन्हें और उनके शो को क्या मिल रहा है। तब करीना ने कहा, यह नामांकन प्राप्त करना वास्तव में बहुत अच्छा लगता है और मुझे खुशी है कि शो को वह प्रतिक्रिया मिली जो मैंने की थी। मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि यह अच्छी तरह से किया गया था, क्योंकि यहां विभिन्न क्षेत्रों से महिलाओं को लाया गया था। हाल ही में ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। 12 जुलाई को ये बड़े पर्दे पर रिलीज होगी, लेकिन इसके अलावा सुपर हीरो एक और फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में ऋतिक के साथ टाइगर श्रॉफ डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की एक फिल्म में काम कर रहे हैं। इस फिल्म का आधिकारिक अनाउंस अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इस फिल्म में ऋतिक और टाइगर एक दूसरे को कॉम्पिटिट करते हुए नजर आने वाले हैं। खबरों की माने तो फिल्म का नाम मेकर्स और फाइटर्स रखा जा सकता है, लेकिन अभी के मुताबिक इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन हाल ही में एक और बड़ी खबर आ रही है कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन को रकम मेहताना के रूप में मिली है। खबरों की माने तो इस मूवी के लिए ऋतिक को 45 करोड़ रुपए रकम मिलने की बात सामने आ रही है। इसके साथ टाइगर श्रॉफ को भी इसमें अच्छी रकम मिलने की बात सामने आ रही है। बॉलीवुड की हॉट अदाकारा करीना कपूर खान की आज हम आपके सामने एक ऐसी तस्वीर साझा करेंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मुंबई में आज बॉलीवुड अभिनेत्री सौंदर्या शर्मा के कमरे में अचानक एक बंदर घुस गया, जिसके बाद उस बंदर ने उनके कमरे को तहस नहस कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, आप भी देख सकते हैं हमारी ये खास वीडियो। वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर घर में घुसकर पहले सामान इधर उधर फेंक रहा है और उसके बाद नाश्ता करने के बाद वह वहां से चला जाता है। वीडियो में बंदर फल खाता भी दिख रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आगे की हर छोटी बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए टैलेंटेड इंडिया के साथ। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक और बात, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि टैलेंटेड इंडिया की अपडेट आपको हर रोज मिलती रहे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।